दिस इज नरेंद्र और आज मैं बताने वाला हूँ कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय द्वारा हमारे राज्य परियोजना निदेशक द्वारा श्री विजय किरण आनंद द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 24 से 31 मार्च तक का होली का अवकाश घोषित किया गया है, जिसके कारण सभी विद्यालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे। तो ये आदेश 23 मार्च को निकाला गया है, ठीक है, यानी कि आज ही निकाला गया है। और ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए है। और ये हमारा ये क्यों निकाला गया है इसके बारे में भी दूसरा बताऊंगा मैं, क्यों निकाला गया, देखिए पूरा आदेश पड़ा हुआ है। ये आज ज़रूरत क्यों पड़ी है, हमारे विद्यालय क्यों बंद कर दिए गए हैं, इससे संबंधित चीज़ ये आदेश क्यों निकाला गया है, क्योंकि अभी हमारे बेसिक में परीक्षाएँ होने वाली थी। जैसा कि अवगत है कि कल मुख्यमंत्री के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कि होली से सहित अन्य पर्वों त्यौहारों पंचायत चुनाव तथा देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विशेष सतर्कता और सावधानी को बरतने के निर्देश दिए। कोरोना से बचाव उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी और कर्मचारी तैनाती के निर्देश। प्रत्येक जनपद में एक एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्व अनुमति से कोई जुलूस तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोह ना किया जाए। कोविड वैक्सीनेशन का पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्रतिदिन कोविड-19 संबंधित समीक्षा अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 तक की होली का अवकाश रहेगा। शेष शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, यह अवकाश दिनांक 25 से 31 मार्च 2021 तक होगा। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को कोविड प्रोटोकॉल पूर्णतः पालन करते हुए कराया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए और जागरूकता का प्रचार प्रसार संबंधी व्यवस्थाएँ की जाएँ। तो ये चीज़ आप केस अचानक बढ़ जाने के कारण जो है ये माहौल हो गया है, जिसके कारण हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये फैसला लिया है, जिससे कि कोविड को अभी नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि अचानक बहुत ज़्यादा केस आने के कारण ये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।